पिछले दो एपिसोड्स में आपने देखा, एक बैंक डकैती होती है जिसकी खबर लकी, कौशल और काजल को हो जाती है। उनके यहाँ एक पेइंग गेस्ट मिस्टर श्रीवास्तव रहने आते हैं। अगली सुबह उनका खून हो जाता है। श्रीवास्तव के कमरे से नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है। उन पैसों के लालच में आकर उस लाश को तीनों मिलकर दफना देते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में सीबीआई ऑफिसर मिस्टर एस के सिंह उन्हें रोककर उनसे पूछताछ करते हैं। वापस लौटकर तीनों वैन को धोते हैं। मैक को श्रीवास्तव के बारे में पता चलता है। लकी और कौशल के कार्ड्स खेलते वक्त मैक वहां पहुंच जाता है और उनसे पैसों के बारे में पूछता है, फिर ऊपर चला जाता है। वहां काजल उन दोनों का खून कर देती है। लकी, कौशल और काजल मिलकर दोनों लाशों को फिर उसी जगह दफना देते हैं। लकी उन पैसों से कीमती चीज़ें खरीदता है तो काजल उसे गुस्सा करती है। लाशों की तहकीकात करने के लिए एस के सिंह उसी जगह जाते हैं जहां तीनों ने लाशों को दफनाया था। वहां उन्हें किसी वैन के टायर्स के निशान मिलते हैं। उसी वक्त काजल लकी और कौशल के साथ वहां आती है और उसे पता चलता है कि किसी वैन के टायर्स के निशान मिले हैं। तीनों वापस लौटकर टायर्स जला देते हैं। अब आगे क्या कर रहा तू? अपने हिस्से के पैसे लेकर जा रहा हूँ। हिस्सा? कैसा हिस्सा? लकी, इन पैसों में एक का हिस्सा मेरा भी है। क्या? हाँ, मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। मैं तो कहता तुम लोग भी यहाँ से निकल लो। अब ये जगह पूरी हवेली बन गई है। कल तक हम लोगों ने दूसरों की लाशों को ठिकाने लगाया था तो ऐसा ना कि तुम लोग भी लाशें यहीं पड़ी हो। शट अप, ये बैग यहाँ रखो और चलते बनो यहाँ से, समझे तुम? नहीं, मैं ये पैसे लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तुमने किया ही क्या है? तुम तो सिर्फ नफा देख के हमारे साथ जुड़ गए थे। तो क्या हुआ, इस काम में मैंने भी तो तेरा साथ दिया था, क्या तू अकेले कर पाता? अब बहुत हो गया, तू मुझे बहुत जीना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम जियोगे भी तो हमारे साथ और मरोगे भी तो हमारे साथ। और एक बात और, अब हम तीनों में से कोई अलग नहीं होगा। लाओ ये बैग मुझे दे दो। नहीं,
मैं ये कहता हूँ बैग मुझे दो। ये बैग मैं तुझे नहीं दूंगा लकी। मैं करूँ दो। नहीं। खुश रहो तुम लोग, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, क्या हो रहा है? ये मुझसे नहीं इससे पूछो जो हम दोनों को धोखा देकर सारे पैसे लेके भाग रहा था। तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है काजल, मैं सिर्फ अपने हिस्से के पैसे लेकर जा रहा था। शट अप, ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। होश में आ लगे, तुम क्या करने जा रहे थे? इधर आओ। हम आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वैसे भी पुलिस हमारे पीछे है और हमारी जरा सी भी गलती हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। से कंट्रोल ये अगर मैं उससे नहीं मारता तो मुझे मार डालता। तुम एक काम करो, इस लाश को ठिकाने लगा ले, तुम सामान लेके आओ, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। Excuse me. जी, आप? जी हाँ, उस दिन आपने कार्ड दिया था ना, एड्रेस याद था, बस चला है। अच्छा किया, कहिए। याद है आपको उस दिन जहाँ लाशें मिली थी, आप आई थी और आपने कहा था इस केस के बारे में अगर कोई डेवलपमेंट हो तो मुझे बताइएगा। तो डेवलपमेंट यह है कि पुलिस को उन लाशों के खूनियों का सुराग मिल चुका है और वो बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में आने वाले हैं। लेकिन कौन है वो खूनी? ये तो तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल इतने बड़े मकान में आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, मैंने कहा था ना उस दिन मेरे साथ मेरे भाई भी रहते हैं। ओ, इस वक्त शायद कहीं बाहर गया है। जी हाँ, वो इस समय बाहर गए। और उस दिन आपके साथ आपका एक फ्रेंड था, आपका कोई दोस्त? जी वो चला गया। चला गया? वो बैंगलोर का था ना, तो बैंगलोर वापस चला गया। लेकिन आपके पास एक वैन थी एंटीक सी? जी वो खराब हो गई है तो हमने गैरेज में भेजी है रिपेयर के लिए। लेकिन सर आप ये सब किस लिए पूछ रहे हैं? अजीब इत्तेफाक है, आप जैसी वैन का इस्तेमाल उन खूनियों ने किया और उसी वैन को लेकर एक लड़का शॉपिंग करने गया जिसमें
उसने बैंक से चोरी की हुई नोटों को खर्च किया। शॉपकीपर ने उस लड़के का तो हुलिया नहीं बताया, लेकिन उस वैन का हुलिया बता दिया। मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ सर, आप पहली बार हमारे घर आए हैं और मैं यूं ही खड़े खड़े आपसे बातें किए जा रही हूँ। आइए ना सर, कुछ चाय या कॉफी हो जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे उस वैन की तलाश है। वो वैन मुझे मिल जाए उसके बाद आराम से। नहीं, हम उसके भाई का इंतजार करेंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा कि वो बाहर गए हुए। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे शक है कि शायद अंदर ही है। लकी, 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 वो एसके। कौन एसके? वो सीबीआई ऑफिसर एसके। लकी, उसे हम पर शक हो गया है, वो हमारी वैन ढूंढ रहा है। लकी, तुम चिंता मत करो, मैंने वैन को ठिकाने लगा दिया। नहीं लकी, अब हमें यहाँ पर बहुत खतरा है। हमें ये घर नहीं, हमें देश ही छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी हवेली कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम? इस वक्त अपनी जान की सोचो लकी। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और वीजा और पासपोर्ट का बंदोबस्त करो। लेकिन 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 कुछ नहीं, जाओ लकी जाओ। लगता है कोई अंदर से आ रहा है। सुनो मिस्टर लकी। लकी, तुम काजल के भाई हो? जी हाँ। लेकिन काजल ने तो कहा तुम कहीं बाहर गए हो। नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं दूसरे कमरे में था और काजल ने यह समझा कि मैं बाहर गया हूँ। आई सी। मिस्टर लकी, कुछ दिन पहले तुम अपनी वैन लेकर शॉपिंग करने गए थे। जी हाँ। वहाँ तुमने कुछ रुपए खर्च किए? जी हाँ। वो रुपए कहाँ से आए? जी मुझे मालूम नहीं। मालूम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो रुपए बैंक डकैती के थे। व्हाट? यस, ऑल द नोट्स आर नंबर्ड। देखिए सर, रुपए तो ऐसी चीज है ना, कब किसके पास कहाँ से आ जाए मालूम नहीं। मालूम करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। जी, जैसे मुझे कुछ याद आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाय द वे लकी, मैं तुमको छोड़ दूँ? क्योंकि तुम्हारी वैन तो खराब हो गई है। जी नहीं, मैं चला जाऊँगा। गुड, इज अ गुड न्यूज। क्या हुआ सर? उन तीनों लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। उनमें से एक लाश बैंक मैनेजर से वास्तव की है। और बाकी की दो लाशें? दो डाकू मैक और जगन की है, जिनकी बैंक डकैती के पुराने रिकॉर्ड्स हैं। सर, ये मैक, जगन और चंचल, इन तीनों का एक बहुत बड़ा गैंग है सर, और ये तीनों हमेशा मिलकर डकैती करते हैं सर। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि बैंक मैनेजर श्रीवास्तव इन डाकुओं से मिला था। डकैती के बाद इन तीनों की हत्या हो गई, तो हो सकता है कि इनका हत्यारा वो तीसरा डाकू चंचल हो। यस सर, इट इज पॉसिबल। तो चंचल के तमाम ठिकानों का पता करो और उसे तुरंत गिरफ्तार करो। ओके सर। सर, एक गुड न्यूज है सर। क्या? वो चंचल पकड़ा गया। कांग्रेचुलेशंस, अब सारे भेद खुल जाएंगे। मिस काजल,
आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो चलो लेकर मुझे लगता है आप शायद इंडिया टूर पर जा रहे हैं। जी जी हाँ, हम आपका ये सब सामान चेक करना चाहते हैं। जी सामान? सामान में क्या है? वो सिर्फ ट्रैवलिंग के कुछ कपड़े वगैरह। जब कुछ नहीं है तो फिर सामान चेक करने में हर्ज क्या है? Open the bag. Come on, open it. The other one. Leave it. Wow. Dollars. Indian tools with American dollars? Fantastic. बात तो समझ में नहीं आई। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मिस क्राइम रिपोर्टर, इन डॉलर्स के बारे में आप अपनी रिपोर्ट दे सकती हैं? जी, जी सर, वो। बोलिए बोलिए। सर, वो। एक मिनट। आप कुछ बोलें या ना बोलें, मेरा टेलीफोन कुछ मुझसे बोलना चाहता है। हेलो, यस, गुड, आई सी, हाँ, ओके, मिस्टर लकी आपके लिए गुड न्यूज़। बैंक के लूटे हुए जिन रुपयों से आपने ये डॉलर एक्सचेंज किए हैं, पुलिस को वो रुपए मिल गए। काजल, बैंक का आखिरी डाकू भी पुलिस के हाथों में गिरफ्तार हो गया है। उसने बताया कि मिस्टर श्रीवास्तव जो बैंक के मैनेजर थे, उन रुपयों को लेकर यहां आए, आपके घर में बतौर पेइंग गेस्ट ठहरे। अब आपको यह बताना है कि उनका मर्डर कब, क्यों और किसने किया। कम ऑन, टेल मी। जी, स्पीक अप। जी सर, एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से मैं क्राइम की रिपोर्ट्स लेने इधर उधर जाया करती थी कि अचानक एक रात। देखो सुमार, बैंक का नक्शा, लॉकर्स और स्टोर रूम, इन सब के बारे में तो मैंने तुम्हें पूरी जानकारी दे दी है। हाँ, वहां पर दरवाजे पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उन्हें तुम्हें संभालना। आप बेफिक्र रहें श्रीवास्तव साहब, सारा काम अपने प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन फिर भी हर कदम पर हमें सावधानी बरतनी होगी। रुपए बैग में भर कर रेडी रखे होंगे, तुम्हें सिर्फ लॉकर्स में जाना है और फिर बैग उठाकर चुपचाप बाहर चले आना और वो बैग मेरे हवाले कर देना है। तुम्हारा तो पुलिस रिकॉर्ड है, इसलिए बैंक डकैती के बाद पुलिस तुम्हें जरूर तलाश करेगी, लेकिन मैं इन रुपयों को लेकर के सलामत जगह पर जाकर छुप जाऊंगा और जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा हम मिलेंगे और आपस में पैसे बांट लेंगे। ओके ओके, तो मिलेंगे बैंक डकैती के बाद। बाय बाय मिस्टर मैन। We'll be right back.
और इस तरह मैंने श्रीवास्तव का भी कत्ल कर दिया। क्या श्रीवास्तव का कत्ल तुमने किया और मुझे नहीं बताया? इस साजिश में तुम लोगों के साथ तुम्हारा एक दोस्त भी तो था। जी, उसे मैंने मार दिया। क्यों? क्योंकि उसे मैं नहीं मारता तो वो मुझे मारकर सारे पैसे लेके भाग जाता। पैसा पैसा पैसा, तुम लोगों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई कि पैसों की लालच में तुम लोगों ने इतना बड़ा क्राइम कर डाला। जाने क्यों पैसों की लालच में आदमी इंसान से हैवान बन जाता है। छी, ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सब के सब आए, जुर्म किसने किया, मुजरिम है वो कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन, कौन कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन, कौन कौन कौन, आखिर 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 कौन,